हेलो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं विष्णु खरे जी द्वारा लिखी कहानी चार्ली चैपलिन यानी हम सब। अगर इस साल चार्ली के जन्म के 100 साल पूरे नहीं होते, फिर भी चार्ली के जीवन का ये महत्वपूर्ण साल होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले 75 सालों से चार्ली की कला दुनिया के सामने है और लगभग 5 पीढ़ियों को मोहित कर चुकी है। समय, संस्कृति और भूगोल, इन तीनों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के उन लाखों बच्चों को हंसा रहा है जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिमी देशों में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है, लेकिन विकासशील देशों में जैसे जैसे टीवी और वीडियो का प्रसार हो रहा है, वैसे वैसे एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चार्ली की कुछ ऐसी फिल्में या ऐसी रीलें भी मिली हैं जिन्हें अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अभी 50 सालों तक चार्ली पर काफी कुछ कहा जा सकता है। उनकी फिल्मों की एक विशेषता ये है कि उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मैरियनबाड, द सेक्रीफाइस, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो लोगों से बड़े एहसास की उम्मीद करती हैं। लेकिन चार्ली का चमत्कार कुछ अलग ही है कि उनकी फिल्मों को पागलखाने के मरीज और कमजोर दिमाग वाले से लेकर आइंस्टीन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी देखकर उसका आनंद ले सकते हैं। चार्ली ने सिर्फ फिल्म कला को ही लोकतांत्रिक नहीं बनाया, बल्कि दर्शक वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का काम भी किया। ये सब यूं ही नहीं हो गया। जो लोग वर्ण व्यवस्था को मिटाना नहीं चाहते हैं वो उसकी फिल्मों पर भी हमला करते हैं। लेकिन चार्ली भीड़ का वो बच्चा है जो सिर्फ इशारे से ही बता देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना कि मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। लेकिन निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं होता है। एक त्यागी हुई स्त्री और स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, वो भयंकर गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्यवाद, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद और सामंतशाही के घमंड में चूर समाज से दुत्कारा जाना, इन सब बातों से चार्ली को ऐसा सबक मिला जो उसमें करोड़पति हो जाने के बाद भी आखिर तक बना रहा। चार्ली अपनी नानी की ओर से खानाबदोशों से जुड़े हुए थे और अपने पिता की ओर से वो एक यहूदी थे। इन कठिन परिस्थितियों ने चार्ली को बाहरी और घुमंतू बना दिया, जिसकी वजह से वो कभी भी ऊंचे वर्ग के रहन सहन तौर तरीकों को अपना ही नहीं पाए। अगर हम चार्ली के पसंदीदा कैरेक्टर ट्रैम्प को देखते हैं तो हम उनकी चेतना की गहराई को समझ पाते हैं। चार्ली पर कई फिल्म के बड़े उस्तादों ने सिर धुने हैं। आखिर में उनको ये मानना ही पड़ा कि अब उन पर कुछ नया लिखना बहुत कठिन होता जा रहा है। दरअसल बात यह है कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, बल्कि कला खुद अपने सिद्धांत को लेकर आती है या फिर बाद में उसे बना ही लेती है। चार्ली को देखकर जिन करोड़ों लोगों के पेट में दर्द होने लगता है,
उन्हें मेल ओटियंगर या जेम्स एजी की बेहद गंभीर समीक्षा से क्या लेना देना है। वो चार्ली को समय और भूगोल से काटकर ही देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं उनकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। फिर भी ये कहना कि वो चार्ली में खुद को देखते हैं बहुत दूर की बात होगी। लेकिन बेशक जैसा चार्ली वो देखना चाहते हैं वो उनको जाना पहचाना लगता है। हर 10 सेकंड में चार्ली खुद को जिस मुसीबत में डाल देता है वो लोगों को जाना पहचाना लगता है। खुद को तो नहीं, लेकिन अपने किसी परिचित को वो चार्ली मानने लगते हैं। खैर, कला में क्या बेहतर है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? दोनों में से चार्ली ने भावना को चुना। इसके कई सारे कारण भी थे जिसने उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। एक कारण ये था कि एक बार जब वो बीमार थे तब उनकी माँ ने जीसस क्राइस्ट का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। जीसस क्राइस्ट के सूली पर चढ़ने के सीन तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चार्ली लिखते हैं कि ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधेरे कमरे में मेरी माँ ने मेरे सामने दुनिया की वो सबसे दयालु तस्वीर दिखाई जिसने साहित्य और नाटक दोनों को स्नेह, करुणा और महानता जैसे विषय दिए। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना ज़्यादा दूर नहीं था। वो रोज़ सैकड़ों जानवरों को कसाई खाने ले जाते हुए देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगाने लगे। आखिरकार उसे पकड़कर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हो गया कि भेड़ के साथ क्या होने वाला है। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास दौड़ा। वो उसे मार डालेंगे माँ, वो उसे मार डालेंगे। चार्ली अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, बसंत की वो बेलौस दोपहर और वो मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही। मैं कई बार सोचता हूँ कि कहीं इसी घटना ने ही तो मेरी आने वाली फिल्म की पृष्ठभूमि तैयार नहीं की थी। दुख और सुख के सामंजस्य की। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, ये बात तो दुनिया के लगभग सारी संस्कृतियों को मालूम है। लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना ऐसे सिद्धांत की बात करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता है। रामायण और महाभारत में जो हास्य है वो दूसरों पर है और ज़्यादातर दूसरों के दुख से प्रेरित है, और जो करुणा है वो अक्सर अच्छे लोगों के लिए और कभी कभार बुरे लोगों के लिए है। संस्कृत के नाटकों में जो कॉमेडियन है वो राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां ज़रूर करता है, लेकिन करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसी ही शक्ति भरना, ये भारतीय कॉमेडियंस में बहुत ही कम नज़र आता है। इसलिए भारत में चार्ली को इतने बड़े पैमाने पर स्वीकारने का एक अलग महत्व है। भारतीय लोगों पर उसने जो प्रभाव डाला उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी बाकी है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में बदल जाएगी, इससे अपरिचित भारतीय जनता ने उस घटना को ऐसे स्वीकार किया जैसे कोई बतख पानी को स्वीकार करती है। विदेशी कला के सिद्धांत को ऐसे स्वीकार करने से कुछ अलग ही तरीके के प्रश्न उठते हैं और एक तरह की कला को ही रेखांकित करते चलते हैं। किसी भी समाज में बड़ी आसानी से
कुछ गिने चुने लोगों को अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार कहकर ताना मार दिया जाता है, लेकिन किसी को चार्ली या जॉनी वॉकर कहने के लिए ठीक परिस्थिति का होना जरूरी होता है। हमारे बीच में नायक तो कम है, मगर हर कोई दूसरे को कॉमेडियन समझता है। दरअसल इंसान खुद ईश्वर का कॉमेडियन, क्लाउन, जोकर, साइडकिक, आप जो भी कह लीजिए, सब है। यूं ही नहीं गांधी और नेहरू चार्ली का सानिध्य चाहते थे। चार्ली के विदेशी होने के बावजूद भी उन्हें भारत में इतना पसंद किया गया कि राज कपूर ने भारतीय फिल्मों में एक अनोखा प्रयोग कर दिया, जिसे आवारा के नाम से जाना जाता है, जो दी ट्रैम्प शब्द का सिर्फ अनुवाद ही नहीं था बल्कि चार्ली का भारतीयकरण था। ये तो अच्छा हुआ कि राज कपूर जी ने कॉपी करने के आरोपों की बिल्कुल परवाह नहीं की। राज कपूर की आवारा और श्री 420 के पहले भी फिल्मी नायकों पर हंसने और खुद नायकों का अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं थी। 1957 तक तो चाहे दिलीप कुमार साहब हों, शमी कपूर हों, अमिताभ बच्चन हों या श्रीदेवी हों, सबने किसी न किसी रूप में चार्ली का कर्ज स्वीकार किया। बुढ़ापे में जब अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से नहीं बचा पाए और हवा में तीर चलाते रहे, तो ये जो दृश्य था ये करुणा और हास्य दोनों का था, लेकिन महाभारत में सिर्फ और सिर्फ उसकी दुखद व्याख्या ही की गई है। दुखद व्याख्या को ही स्वीकार किया गया है। चार्ली की ज़्यादातर फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसीलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय भी होना पड़ता है। बोलती फिल्मों को देखें तो सिनेमा में बड़े बड़े कॉमेडियन हुए, लेकिन चार्ली तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया, इसकी पड़ताल अभी बाकी है। बच्चों जैसा दिखना चार्ली की एक विशेषता तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता शायद ये है कि वो किसी को भी विदेशी नहीं लगते थे। चार्ली की सारी मुसीबतों में हमें ये भी लगता है कि ये मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हम लगते हैं। ये हो सकता है कि बस्टर कीटन चार्ली से भी बड़ा हास्य प्रतिभा रखते हों, लेकिन कीटन का हास्य काफ्का है और चार्ली प्रेमचंद के काफ़ी नज़दीक है। भारत में अगर एक होली के त्यौहार को छोड़ दिया जाए तो भारतीय परंपरा में लोगों को खुद पर हंसने और खुद को जानबूझकर कॉमेडियन बनाने की परंपरा ही नहीं के बराबर है। गांव में शायद थोड़ी बहुत हो भी, मगर शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। चार्ली का भारत में ये महत्व है कि चार्ली भारतीयों को अंग्रेज़ों पर हंसने का मौका देते हैं। अपने जीवन के ज़्यादातर हिस्से में हम चार्ली के टिले ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा ही पंक्चर हो जाते हैं। बेसिकली हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन हो नहीं सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमानी, प्रेम और पैसे के क्लाइमेक्स में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा एकदम चार्ली हो जाता है।